सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला लिया है। जिस एंग्लो इंडियन सदस्य को बनाया गया था उसकी सदस्यता पर रोक लगा दिया गया। एक और करारा झटका येदियुरप्पा सरकार के लिए। सीधे रुख करेंगे हम अंकित का। अंकित बताइए। जी बिल्कुल, एक बड़ा झटका कहा जाएगा येदियुरप्पा सरकार के लिए, क्योंकि एंग्लो इंडियन मेंबर को नॉमिनेट किया गया था और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक अभी ये विवाद सुलझ नहीं जाता तब तक किसी भी जो है एंग्लो इंडियन सदस्य की जो नामित किया गया था, जो नॉमिनेट किया गया था, वो नामांकन फिलहाल उस पर जो है रोक रहेगी। इस बीच में जो है एक चीज और महत्वपूर्ण निकल के आई है, पिछले करीबन 45-35 मामले की सुनवाई हो रही है, एक चीज और निकल के सामने आई है, वो ये है कि संभवतः सुप्रीम कोर्ट भी अब इस बात पर विचार करने लगा है कि क्यों कल ही फ्लोर टेस्ट करवा दिया जाए, क्योंकि जेडीएस लगातार जेडीएस की तरफ से जो अभिषेक मनु सिंघवी पेश हो रहे हैं, कपिसिबल पेश हो रहे हैं, उन्होंने जो लगातार सुप्रीम कोर्ट में यही कहा है कि वो कल फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंकित गुप्ता। अंकित गुप्ता जैसे हमें बता रहे हैं तो फ्लोर टेस्ट कल होने की पूरी गुंजाइश दिखाई दे रही है, वीडियोग्राफी हो। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।